हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पंकज शर्मा फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती फैकल्टी इंग्लिश। स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज रिलेटेड टू स्पेशली क्लास 4 to 6, बट अपर क्लास स्टूडेंट्स आल्सो रिलेवल फॉर दिस एंड यू कैन आल्सो लर्न दिस। सेंटेंस में अभी तक आप लोगों ने इम्परेटिव पढ़ा है, इम्परेटिव सेंटेंस। आज एक सेंटेंस बुक्स में, आपके बुक में केवल 4 सेंटेंस दिए गए हैं, ये सेंटेंस नहीं दिए गए हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस इसको हम कहते हैं इच्छा, क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। जिस सेंटेंस के माध्यम से हमारी कोई डिजायर, कोई विश, कर्स या ब्लेसिंग की भावना व्यक्त हो, वो ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, द सेंटेंस दैट रिवील्स any sense of wish, desire, curse or bliss is called objective sense. जिस सेंटेंस से हम अपना कोई इच्छा व्यक्त करें, इच्छा दो तरीके की होती है, या तो खराब होगी या तो अच्छी होगी। तो उसे व्यक्त करने के लिए हम जिन सेंटेंस का यूज करते हैं, जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसे हम ऑपरेटिव सेंटेंस करते हैं। एंड मोस्टली दी सेंटेंस स्टार्ट विद मी। हमने मोस्टली वर्ड का यूज किया है, ज्यादातर 90% 90+ ये मे से स्टार्ट होते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मे नहीं लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीर्घायु हो, तो इसका अगर हम संशोधन करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। देखिए, मेन से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम कहें तुम बर्बाद हो जाओ, हो जाओ, तो मे यू रुई का मतलब ये अच्छी इच्छा को बता रहा है, ये खराब इच्छा को बता रहा है। हम अक्सर जो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, गुड आफ्टरनून ये सब बोलते हैं, तो हम अपनी कैसी इच्छा व्यक्त करते हैं? अच्छी इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन उसमें मे का यूज नहीं होता। तो वही 10% सेंटेंस ऐसे होते हैं, या कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग मे से नहीं होती है। तो अब कुछ सेंटेंस मैं आपको बोलूंगा और उसको आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह के जो सेंटेंस हैं,
अब मैं यहां पे आपको वर्क दे रहा हूं, ये वर्क आपको खुद करना है और अगले वीडियोस में फिर इसका हम सलूशन भेजेंगे आपको। जो आज क्लास में हमने डाउट क्लास में पढ़ाया है वही चीज मैं आपको दे रहा हूं। ईश्वर करे तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। दूसरा, भगवान आपको धनी बनाए। तीसरा, तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओ। चौथा, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। पांचवा, भगवान तुम्हें महान बनाए। सिक्स, ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे। सेवन, आपका दिन बहुत अच्छा हो। भगवान करे आपको अच्छे मित्र मिले। तुम सब नर्क में जाओ। और एक लास्ट सेंटेंस है, तुम फेल हो जाओ। ये 10 सेंटेंस है, ये 10 सेंटेंस आप तभी लोग लिख लीजिए जो इस क्लास में नहीं है और उसे आप सब लोग करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको करेंगे ही करेंगे, ऐसे करके अपने उस पर भेजेंगे, अपनी कॉपी में रखेंगे। जब कॉपी मंगाई जाएगी तो कॉपी आपकी चेक की जाएगी, और वैसे भी इसका मैं ट्रांसलेशन आपको पुनः भेज दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।